हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो RECIT असेसमेंट चैप्टर नंबर 1 का है, जो कि RECIT इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इस वीडियो में आपको असेसमेंट नंबर 1 के क्वेश्चन के आंसर को आप आसानी से समझ सकते हैं, जो कि RECIT मेन पेपर में आते हैं, तो आप आसानी से वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको हमारी जो वेबसाइट है ज्ञान अलर्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज शो होगा। अब आपको पेज शो होने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर जब भी आप RECIT का इंटरनल असेसमेंट देने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। RECIT के जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो आपके 15 चैप्टर होते हैं, जिसके अंदर आपके 15 चैप्टर आपको टेस्ट देने होते हैं। हर एक मतलब आपको अगर आपको इंटरनल असेसमेंट पास करना है, तो उसके लिए आपको 12 अंक लाना जरूरी होता है। RECIT इंटरनल असेसमेंट में हर चैप्टर में 2 अटैम्प्ट दिए हुए होते हैं। इन अटैम्प्ट को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो आप सेकंड अटैम्प्ट को अटैम्प्ट ना करें, ये ध्यान रखने की बात है। इंटरनल असेसमेंट में कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल जो समय आपको देखने को मिलेगा वो आपको होगा मिलेगा वो होगा 15 मिनट का। यहाँ पर आपको देखना है कि 10 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। और आपका जो हर एक चैप्टर होगा वो 2 मार्क्स का होगा, याद रखें। आपको जो आप एक दिन में आप एक ही चैप्टर है वो दे पाएंगे, और एक चैप्टर जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी आपको टोटल एक दिन के अंदर खाली एक ही चैप्टर का इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो असेसमेंट नंबर 1 है, उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको लिखेगा कि आई लर्न असेसमेंट चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपको RECIT के जो इंटरनल असेसमेंट है उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। आप यहाँ पर समझने के बाद में ही आप अपना असेसमेंट है वो दें। यहाँ पर जो सभी क्वेश्चंस जो आपको असेसमेंट में मिलेंगे वो सभी आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरा मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद खुद से बिना देखे आप वहाँ पर अपना इंटरनल असेसमेंट दें और अच्छे मार्क्स लें। तो ध्यान रहे, आप पहले यहाँ पर समझें, उसके बाद ही आप असेसमेंट दें, ताकि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन समझेंगे वो आपके भविष्य में आपके जो भी RECIT का जो मेन पेपर होगा वहाँ पर आपके काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कि दर्शाए गए चित्र में आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। माइक्रो होता है, मिनी होता है, और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। यानी डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दर्शाए गए चित्र में चित्र के खाली मतलब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के पार्ट में, मतलब एनालॉग कंप्यूटर होता है हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, तो बीच में कौन सा होगा वो होगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो ध्यान रहे कि कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, और एक हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम बताने हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम से चलने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, और एप्लीकेशन वाले हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि कंप्यूटर का घर में निम्न तरीके से कैसे इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही इजी आंसर होगा, इसका आंसर होगा दिए गए सभी, जो कि आपके सामाजिक मीडिया में काम आता है, स्कूल बच्चों के होमवर्क में और मनोरंजन में। हमारा जो भी हम कंप्यूटर को घर पर चलाते हैं, तो इन इन कार्यों को हम हमारे कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, जो इसका आंसर होगा वो होगा दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, इन सभी के अंदर हमारा कंप्यूटर का काम आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिए गए सभी, ध्यान रहे।
क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? तो याद रखें कि पहली यहाँ पर आपसे जो जनरेशन पूछी गई है वो पहली जनरेशन के बारे में पूछा गया है, जिसके अंदर हमारा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहली जनरेशन के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेवन आता है, यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया गया है, इस तरीके से आपको एक चित्र दे दिया गया है, इसमें पूछा गया है ये किसका चित्र है? तो ये जो आंसर होगा इसका जो होगा वो होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस तरीके से जो इमेज है इसको नामांकित जो करते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर एट आता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के बारे में, जो कि आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर देखना है कि भंडारण भी सबसे ज़्यादा हमारे सुपर कंप्यूटर की होती है और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में भी हमारा सुपर कंप्यूटर ही होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन आता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं होती है, यानी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सोचने की क्षमता, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की सोचने की क्षमता नहीं होती है, बाकी हमारा कंप्यूटर गुड एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट देता है और यह क्या होता है हर एक प्लेटफॉर्म आसानी से चल सकता है और कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिया गया है कि प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर जो हमारा होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर का, जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि सुपर कंप्यूटर, यहाँ पर आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटर जो आपका मतलब जाना जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताना है, जो कि नहीं है, यहाँ पर तीन होंगे और नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों के जो नाम आपको दे रखे हैं कि परम, IBM और फुजित्सु, ये सभी हमारे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान रहे भारत का जो प्रथम जो सुपर कंप्यूटर का नाम है वो हमारा है परम कंप्यूटर, ये याद रखें। बट यहाँ पर जो आंसर होगा 11 का वो होगा डेल एटीट्यूड, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है विंडोज 7, जो कि हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बाकी ये तीनों के जो दोनों हैं हमारे, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, स्टोरेज भी। इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा 13, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के रूप में एक मंच प्रदान करता है? ध्यान रखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर जो रन होता है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर हम चलाते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक हमारा एक प्रिंटआउट के तौर पर एक अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रिंट निकाल के देता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा विंडोज 7। अभी हमने इसके बाद बात करी थी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो हमारा विंडोज 7 है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है विंडोज 7। तो ये इंटरनल फर्स्ट जो आपका RSCIT का आप देंगे, जो इस अगर आपको इसके क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरा मन मोटिव यह है कि आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में अपने इंटरनल असेसमेंट को अटैम्प्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, पहला असेसमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर करें जो RSCIT कर रहे हैं और इंटरनल असेसमेंट में कोई भी उनको दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।